गाइस हमने यहाँ काफी बड़े एरिया में टाइल लगवाए हैं और आज की वीडियो है कि एक रूम में अगर आप टाइल लगवाओगे तो क्या प्राइस आ जाएगा, और आपको एकदम सटीक और इजी कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप आसानी से आपका चाहे कितना बड़ा भी एरिया हो उसे ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि किस कितना चार्ज आएगा एक रूम में टाइल लगाने का, और जो जितना बड़ा आपका एरिया हो उसे आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे कि अप्रोक्सीमेट कितना पैसे आपको खर्च आने वाले हैं टाइल लगाने में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। मनीष सिंह, मेरे चैनल ग्रीन आइट हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियो बनती है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं कैलकुलेशन पहले कर चुका हूं ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको अच्छी तरह से समझा सके। आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि स्टेप टू स्टेप मैं बताते जाऊंगा कि इतना खर्च क्यों आएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले एक रूम ले लिए हम 10 फीट बाई 10 फीट का या 10 फीट बाई 10 फीट का। 10 फीट बाई 10 फीट का इसलिए ले लेते हैं गाइज की क्योंकि इसका कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाता है 10 फीट बाई 10 फीट का। तो आप देख सकते हो एरिया इसका टोटल एरिया हो गया 100 स्क्वायर फीट। अब स्कर्टिंग इसका आएगा यहाँ पे 10 फीट है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। यहाँ पे एक दरवाज़ा आएगा तो 3 फीट का दरवाज़ा रहेगा, 3 फीट मान के चल रहे हैं तो 7 फीट, ये 37 RFT स्कर्टिंग हो गया। स्कर्टिंग कभी भी रनिंग फिट में मेजर होता है, तो इसको 37 RFT को हम लोग स्क्वायर फीट में चेंज कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट 10 स्क्वायर फीट आ जाएगा। टोटल टाइल हमारे पास है 110 स्क्वायर फीट, हम लोग को टाइल परचेज करने पड़ेंगे। अब देखिए गाइज टाइल है 110 स्क्वायर फीट हो गया एट द रेट 50 रुपीज़, रेट आपको 35 रुपये से लेके अच्छा टाइल का बोल रहा हूँ, 35 रुपये से लेके आपको ये 70-80 रुपये तक चला जाएगा। हम 50 रुपये में डबल चार्ज का काफ़ी बढ़िया टाइल का लिए हैं। इसमें आप सस्ता का भी ले सकते हैं, कम का भी ले सकते हैं, तो आपका ये यहाँ पे अमाउंट और कम हो जाएगा, लेकिन मैं 50 लेके चल रहा हूँ। तो 50 रुपये के हिसाब से ये 5500 हो गया। टाइल कॉन्ट्रैक्टर, देखिए टाइल कॉन्ट्रैक्टर का रेट अभी 12 से 15 रुपया, तो एकदम बेस्ट टाइल फिटिंग कराना है तो मिस्त्री आप, मैं प्रीफर करूंगा कि ज़्यादा बढ़िया मिस्त्री लगाइए, और रेट में वहाँ थोड़ा आप कंसेशन कर सकते हैं, लेकिन रेट यहाँ हम 15 रुपये लेके चले हैं। तो 1500 रुपया 100 स्क्वायर फीट जो एरिया था इसका 1500 रुपया आपका टाइल लगाने का हो गया। स्कर्टिंग 37 RFT था, 37 RFT तो 37 RFT, ये भी 15 रुपया ही रेट लगेगा स्कर्टिंग का, तो 15 रुपये के हिसाब से 555 रुपया हो जाता है। सीमेंट 3.5 बैग लगेंगे 10 फीट बाई 10 फीट का रूम में, 100 स्क्वायर फीट में 3.5 बैग सीमेंट लगेगा। कैसे लगेगा तो हमने यहाँ एक कैलकुलेशन करके रखा है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एंड सैंड फोर्ड फ्लोर टाइल के लिए। तो यहाँ 10 फीट बाई 10 फीट का एक रूम का साइज लिया हुआ है। वीडियो लंबी ना हो गाइज इसके लिए मैं इसका एक आपको फोटो डाल देंगे वीडियो में, आप इसमें आप आसानी से सीख सकते हो कि भाई 10 फीट बाई 10 फीट में 3.5 बैग ही क्यों लगेंगे और 14 CFT क्यों लगेंगे। तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी तरह से या काफ़ी एकदम ईजी तरीके से किया हुआ है, तो इसका फोटो आपको डाल देंगे। अब रही सीमेंट 3.5 बैग 420 रुपये पर बैग सीमेंट लिए हैं हम। सीमेंट भी आपका सीमेंट का भी रेट वैरी कर सकता है, 380 का भी आएगा, 90 का भी आएगा। तो ये सीमेंट हम काफ़ी टॉप क्वालिटी का लिए हैं तो 1470 रुपये का सीमेंट हो गया। सैंड देखिए हम लोग बिहार में हैं, अभी पटना में है, यहाँ पे 40 रुपये पर CFT सैंड आता है। आपके यहाँ ये सैंड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा, तो 40 रुपया यहाँ पे हम लोग CFT का, एक CFT का 40 रुपया लिए हैं, तो 560 रुपये का आपको रिवर सैंड आ गया। और ग्राउट, ग्राउट भरते हैं या वाइट सीमेंट भरते हैं, वाइट सीमेंट आपको 30 रुपये 1 kg का आएगा, ग्राउट आप ले रहे हैं तो आपको 80 रुपये का आएगा। ग्राउट वाइट सीमेंट की अपेक्षा ग्राउट है, कंपेयर करें तो ग्राउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, उसमें सिंथेटिक होता है, उसका लाइफ ज़्यादा आता है और अच्छे से वो गैप में मर्ज हो जाता है। तो मैं, अगर आप टाइल लगाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो ग्राउट उसमें फिलअप करना चाहिए, ना कि वाइट सीमेंट। तो ग्राउट का आपको 80 रुपया हो गया। एक्स्ट्रा एक्सपेंस में आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो आप टाइल लेके आओगे वो हो गया, लोडिंग हो गया, अनलोडिंग हो गया, ये एक्स्ट्रा 1000 रुपया हम लेके चल रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे कुछ रेट कम बेस होगा, ये कम ज़्यादा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन और जो 1000 लिए ये हो जाएगा आपका टाइल में कुछ हो जाएगा, और आपका सैंड में थोड़ा वेरिएशन आएगा। ये 3-4 है जहाँ पर वेरिएशन कुछ आने वाला है, नहीं तो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्टर का रेट वगैरह है वो फिक्स ही रहेगा, 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे रहेगा। तब गाइज देख लीजिए 100 स्क्वायर फीट टाइल लगाने में 10,665 रुपये खर्च होते हैं, 100 स्क्वायर फीट लगाने में 10,665 रुपये, तो 1 स्क्वायर फीट लगाने में 106 रुपया खर्च होगा, जिसमें आपको बेस्ट क्वालिटी का टाइल का मैं कैलकुलेशन किया हूँ, सस्ता का लोगे तो अलग है। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये वीडियो अगस्त 2023 का है, मतलब इस महीने अभी का ये जो
करेंट मंथ चल रहा है उसका प्राइस है। अब देखो अब 106 रुपये ये क्वांटिटी निकल गया एक स्क्वायर फीट का। सपोज करो आपका 1000 स्क्वायर फीट है लगाना, या 2000 है, या 3000 है, या 1500 है, जो भी है, तो इसमें आराम से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 106 * आपका 106000 रुपया 1000 स्क्वायर फीट टाइल लगाने में लग जाएगा। तो इसी तरह से ये जो कैलकुलेशन है एकदम बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल आपको ईजी वे में हम बताए हैं, और जहाँ पर डिटेल था तो डिटेल हम आपको यहाँ पर दिखा ही दिए कि सीमेंट सैंड का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। और बाकी टाइल का एरिया में तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत है नहीं कि, तो इस तरह से आप एक अनुमान लगा लेंगे कि भैया हमको इतना खर्च लग जाएगा तो टाइल लगाने से पहले, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अमाउंट वगैरह का। गाइस ग्रेनाइट लगाने का हम वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे कि एक ग्रेनाइट लगाने में क्या चार्ज लगेगा, अभी मेसन वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका क्या लग रहा है, सीमेंट सैंड वगैरह कितने लगेंगे। तो गाइज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।